नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, आज की जानकारी सीएम राइज जो प्रशिक्षण चल रहा है उससे संबंधित है। आपके सारे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, क्या क्या आपको समस्या आ रही है और उसका निदान कैसे हो सकता है। कई प्रकार की समस्याएं जो है शिक्षक अध्यापकों को आ रही हैं। डाउनलोड कर लिया है, प्रमाण पत्र आ गया, डाउनलोड नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, या वीडियो नहीं चल रही है, या पूरी वीडियो देखने के बाद भी 100% स्टेटस नहीं बता रहा। तो इस प्रकार काफ़ी समस्याएं काफ़ी जो है शिक्षकों को दो चार होना पड़ रहा है। तो उन सभी के उत्तर हमने वीडियो को अंत में दिए हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कितने शिक्षक अध्यापकों ने तीन चरण के प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, यानी पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। और सीएम राइज ट्रेनिंग में आपके सवालों के जवाब, जो आपने हमारी जो अन्य वीडियो में सवाल पूछे थे उनके जवाब हम इस वीडियो में शामिल करेंगे, लास्ट तक आप देखें। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं और आंकड़े पूरे मध्य प्रदेश में कितने शिक्षक जो है प्रशिक्षण ले चुके हैं पूरे तीनों चरणों का, उनका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। और हाँ दोस्तों, इससे संबंधित अभी भी कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, समस्याएं उनको आ रही हैं। जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोर्स एक, यानी कि पहला चरण का प्रशिक्षण जिसका नाम था प्रशिक्षण से परिचय सीएम राइज। पंजीकरण हुआ है 289,299, यानी कि 90% लोगों ने किया है पूरे मध्य प्रदेश में। कोर्स पूर्ण किया है 280,554 लोगों ने, यानी 87% लोगों ने इस कोर्स को पूरी तरह से पूर्ण किया है। दूसरे चरण का कोर्स टू है शिक्षक की भूमिका, जिसमें पंजीकरण किया है 279,449 लोगों ने, यानी कि 87%। वहीं पूरी तरह कोर्स को पूर्ण किया है 229,572 शिक्षक अध्यापकों ने, यानी कि 71%। और तीसरे चरण का प्रशिक्षण यानी कोर्स थ्री, जिसका नाम था चिंतन प्रभावी शिक्षण का आधार, जिसमें पंजीकरण हुआ है 234,242 शिक्षकों ने, यानी 73% पूरे मध्य प्रदेश में। और जिन्होंने कोर्स पूरी तरह से पूर्ण किया है 163,951, यानी कि 51%। और दोस्तों, यह जानकारी स्टेट MIS के अनुसार ग्रेड 1 से 12 से शिक्षकों की कुल संख्या के आधार पर है। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि कोर्स थ्री के सर्वाधिक पंजीकरण करने वाले 5 जिले हैं मंदसौर, छतरपुर, सतना, उमरिया और अशोकनगर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आपको समस्याएं आ रही हैं उन पर। तो सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों को ये आ रही है कि वीडियो चल नहीं रहा, किसी का 100% होने के बाद में जो है 100% से कम दिखाता है, किसी का पूरा होने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं आ रहा। तो सबसे पहली समस्या ये है कि आप अपना मोबाइल चेक करें कि आपका मोबाइल इस यानी दीक्षा ऐप को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि आधा अधूरा आपने प्रशिक्षण ले लिया है, थोड़ा बहुत चल गया है, 3G 4G मोबाइल होते हैं, तो आप देखें आपका मोबाइल सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं। नहीं कर पा रहा तो दूसरे अन्य बड़े मोबाइल में आप देखें तो उसमें सपोर्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको ये इस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं। बहुत से लोगों के प्रमाण पत्र आ चुके हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि आपके एम शिक्षा मित्र पे जाएंगे, उसको अपडेट करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो उसमें दीक्षा ऐप का एक ऑप्शन बन जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप लॉगिन करके आपके सारे प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाएंगे। बहुत से लोगों को समस्या थी कि सबमिट नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल जो है उस ऐप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों की समस्या ये है कि हमने वीडियो पूरा देख लिया है फिर भी जो है प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, प्रमाण पत्र नहीं आ रहा है या कम दिखा रहा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने उस वीडियो का छोटा सा भाग छोड़ दिया होगा, इसलिए एक बार फिर से उसे ट्राई करें, देखें और आपका प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में हम उसको उत्तर देंगे या इसी में आपके जो है कमेंट में सेक्शन में उसका उत्तर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें और आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।